टिक्की बनाने के लिए हम तीन तरह के स्प्राउट्स लेंगे। आधा बॉल मूंग स्प्राउट्स, आधा बॉल मोठ और एक बॉल हमने काले चने स्प्राउट्स किए हैं। अब हम इन तीनों को थोड़ा क्रश कर लेंगे। अब इसमें एक बॉल हमने पहले बॉईल किया कॉर्न को, फिर हमने दरदरा कर लिया है। दो मीडियम साइज के आलू ग्रेट करके लिया है। एक हरी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई ली है, दो चम्मच हरी मिर्च। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। स्वाद अनुसार काली मिर्च, स्वाद अनुसार चाट मसाला, एक चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, एक चम्मच ओरिगेनो, स्वाद अनुसार नमक लेंगे। दो चम्मच हम कॉर्न फ्लोर लेंगे। अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर बाइंडिंग नहीं हो रहा हो तो आप थोड़ा सा ब्रेड क्रम मिला लीजिए। हमने अच्छे से कॉर्न स्प्राउट्स टिक्की का बैटर बना लिया है। अब हम इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ेंगे और थोड़े से साबुत कॉर्न डालेंगे। दो चम्मच ब्रेड क्रम्स मिलाएंगे और अच्छे से मिलाकर हम अब टिक्की बना लेंगे। हमने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। टिक्की बनाकर उसमें फ्राई करेंगे। हाथों में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब हम टिक्की बनाएंगे। आप किसी भी शेप की बना सकते हैं। बारिश के दिनों में ये टिक्की बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। गरम गरम चाय या कॉफी के साथ में आप इसे सर्व कीजिए। ऐसे ही हम सारी टिक्की बना लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम टिक्की को फ्राई करेंगे। टिक्की को हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। टिक्की को थोड़ा दबा दबा के फ्राई कीजिए। इससे हमारी टिक्की अच्छे से क्रिस्प होगी और अंदर से भी पक जाएगी। जरे में से ऐसे तिरछा करके आप निकाल लीजिए, जिससे सारा ऑयल कढ़ाई में निकल जाएगा। ऐसे ही हम सारी टिक्की फ्राई कर लेंगे। टिक्की को डालते ही नहीं छेड़ना है। थोड़ी सी देर बाद हम इसे पलट लेंगे। कॉर्न स्प्राउट्स टिक्की हम दही चटनी के साथ में सर्व करेंगे। एक मिक्सी जार में हम दो चम्मच दही डालेंगे, दो चम्मच हम भुजिया डालेंगे नमकीन, दो से तीन हरी मिर्च, एक इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़े से धनिया पत्ती और स्वाद अनुसार नमक डाल के हम चटनी पीस लेंगे। कॉर्न स्प्राउट्स टिक्की हमने दही चटनी के साथ में सर्व किया है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। इस मॉनसून सीजन में ये एक परफेक्ट स्नैक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।